नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। एम में एम कॉम पढ़े लोग मांग रहे भीख, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल इस सर्वे में जयपुर शहर में कुछ भिखारी एम ए और एम कॉम किए हुए हैं तो कुछ बी ए और बी कॉम किए हुए हैं। इन भिखारियों का कहना है कि अगर उन्हें कोई काम मिलता है तो वह भीख मांगना छोड़कर काम करने के लिए तैयार है। राजस्थान के ही गोविंदगढ़ के रहने वाले 34 साल के पवन ए कॉम करने के बाद अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर भीख मांग रहे हैं। ये एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे लेकिन काम बंद होने की वजह से खाने के लिए चौराहे पर बैठना शुरू कर दिया है। शादीशुदा नहीं होने की वजह से कहीं कोई काम के लिए ले जाता है तो चले जाते हैं, वरना भीख मांग कर खा लेते हैं। इसी तरह से 38 साल का मुकेश ने एमए तक पढ़ाई की है, जो झुंझुनू जिले के डुंडलोद का रहने वाला है और जयपुर शहर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में छोटी चौपड़ पर भीख मांग कर जिंदगी गुजर बसर करता है। वह भी अविवाहित है और फुटपाथ पर सोता है। इसी तरह से एम कॉम तक पढ़ाई करने वाले जगदीश गुप्ता, ग्रेजुएशन करने वाले रमेश और शैलेश हैं, जो जयपुर में भीख मांगकर गुजर बसर करते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर के तहत अलग अलग थाने के इंस्पेक्टरों ने शहर भर में सर्वे किया, जहां पर 1162 भिखारी भीख मांगते हुए मिले। इनमें से 419 भिखारियों ने कहा कि अगर उन्हें कोई काम मिलता है तो वह भीख मांगना छोड़कर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि इनमें से 116 भिखारियों ने कहा कि वह कोई और काम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि भीख ही मांगकर रहना चाहते हैं। जयपुर पुलिस के इस सर्वे में कई कम उम्र के भिखारी मिले, जिनमें से 27 ने कहा कि उन्हें पढ़ने की इच्छा है, अगर सरकार मदद करे तो वह भीख मांगना छोड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे कुछ भिखारियों का पुनर्वास जयपुर पुलिस ने कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।